अब जल्दी दिल्ली एनसीआर को मिल सकता है इस पॉल्यूशन से राहत। 20 और 21 नवंबर को पहली बार दिल्ली में कराई जाएगी आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग टेक्निक की हेल्प से। आईआईटी कानपुर रेडी है आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए, तो चलिए समझते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। क्लाउड सीडिंग में प्लेन के जरिए हवा में ऊपर पहुंचकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड को मिलाया जाता है और इसे स्प्रे के जरिए क्लाउड्स के पार्टिकल्स में मिलाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड नेचुरल आइस की तरह होती है, उसके जरिए बादलों का पानी भारी हो जाता है और फिर बारिश हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। आर्टिफिशियल रेन के लिए बादलों का होना जरूरी है, बिना बादल के क्लाउड सीडिंग नहीं की जा सकती। बादल बनने पर सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे किया जाता है, इसकी वजह से भाप पानी की बूंदों में बदल जाती है, इनमें भारीपन आ जाता है और ग्रेविटी की वजह से बूंदें धरती पर गिर जाती हैं, अपने साथ पॉल्यूशन के पार्टिकल्स को जमीन पर सेटल कर देती हैं।